ये बुज़दिल हुकूमत है जो फौज, मीडिया और आवाम से डरती है। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पकड़ धकड़ कर रही है। मेरे वालिद और कारकुनों की गिरफ्तारी मेरी जुबान बंद नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी हुक्मरानों पर बरस पड़े, बोले स्पीकर ने जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना किए तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत ने ये सब कुछ किया है अपोजिशन को दबाव में डालने, अपोजिशन को दबाव में डालने में मुझे डराने के लिए, मेरा जबान बंद नहीं करने के लिए, लेकिन ये इनकी भूल है। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ और मैं डरने वाले झुकने वाले में नहीं हूँ। हमारा प्रोविंशियल प्रेजिडेंस है कि आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं, मैं आ रहा हूँ, दमदम मस्त कलंदर होगा। हमने इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक और मुआशी हकूक पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार हैं। और हम इस सूरत हाल में जहाँ मीडिया पे इतना पाबंदियाँ हैं, जहाँ इतना सेंसरशिप है, इन सूरत हाल में हम समझते हैं कि अवामी राबता के अलावा पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ बहाना है। 18वीं आईन और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन असल निशाना है, जमहूरियत असल निशाना है। मेरे खानदान को धमकियां दे रहे हैं और उससे मेरा जबान बंदी होगा। मैं आपकी मुआशी दहशतगर्दी और अवाम की मिसाइल पर नहीं भूलेंगे तो आपका भूल। आप अवाम दुश्मन बजट लेकर आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि एहतजाज क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है।